देखिए भिवंडी एक्सप्रेस की खास खबर। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की महामहिम सोनिया गांधी के जन्मदिन पर भिवंडी कांग्रेस कमेटी की अनोखी पहल। धोखादायक इमारतों पर कार्रवाई के बाद मनपा आयुक्त से नई इमारत बनाने की मांग की है। महाराष्ट्र प्रदेश की महासचिव रानी अग्रवाल के नेतृत्व में भिवंडी कांग्रेस कमेटी के एक शिष्ट मंडल ने आज शुक्रवार 3 बजे के करीब भिवंडी मनपा आयुक्त को ज्ञापन देकर शहर में धोखादायक इमारतों पर कार्रवाई के बाद उन्हें पुनः अपनी इमारत बनाने दिए जाने की मांग की है, ताकि बेघर हुए लोग फिर से अपना आशियाना बना सके। इस अवसर पर प्रदेश महासचिव रानी अग्रवाल के साथ फाजिल अंसारी, अल्पसंख्यक अध्यक्ष इकबाल खान, उप अध्यक्ष इरफान पटेल, पूर्व नगर सेवक सईद मोमिन, अशफाक खान, महिला अध्यक्ष लक्ष्मी ताई, परवीन खान, सोनू हार्डिकर, सुफियान खान सहित बड़ी तादाद में कांग्रेसी कार्यकर्ता व पदाधिकारी उपस्थित थे। मनपा आयुक्त से चर्चा करते हुए कांग्रेस की प्रदेश महासचिव रानी अग्रवाल ने क्या कहा, देखिए भिवंडी एक्सप्रेस की इस विशेष रिपोर्ट में। आज 9 दिसंबर हमारी महामहिम माता सोनिया जी गांधी हमारी राष्ट्रीय अध्यक्ष थी। आज हमारी पार्टी की माता कही जाती हैं, क्योंकि राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जी निर्वाचित हुए हैं। उनके जन्मदिन के उपलक्ष में हमारे पूरे कांग्रेस पार्टी के सभी सीनियर लीडर्स, सभी संगठन के प्रमुख, सभी ने यहाँ पर एक भिवंडी के लिए एक बहुत ही दर्दनाक मुद्दा था जो हमने आज कमिश्नर के सामने हमने एक निवेदन दिया है कि जो भिवंडी के अंदर जर्जर इमारतें हैं, धोखादायक इमारतें हैं, वो जब गिरा दी जाती हैं या उनका नल बिजली काट दी जाती है, तो उसमें एक इंसान मिडिल क्लास का पूरी ज़िंदगी अपनी पूंजी जोड़ जोड़ के अपना घरौंदा बनाता है अपने परिवार के लिए, और जब वो टूट जाता है या जमींदोज हो जाता है तो उनको उठा के वहाँ से कहाँ के कहाँ चले जाते हैं, उनको ज़िंदगी भर अपना घरौंदा नहीं बना सकते। तो हमारा निवेदन ये था कि महानगर पालिका, भिवंडी महानगर पालिका उनको बेघर करने से पहले उनको रहने की कुछ व्यवस्था करें, जिससे कि उनको एक सहारा मिले भिवंडी महानगर पालिका की तरफ से। जब तक, और दूसरी बात ये कि वहाँ पर उस जगह पर जो जगह पर बिल्डिंग जमींदोज हुई है या जर्जर धोखादायक इमारत करके गिरा दी गई है, उस जगह पर दोबारा से जितनी जगह में वो रह रहा है उतनी जगह पे सब मिल के सोसाइटी को कंस्ट्रक्शन रिकंस्ट्रक्शन करने का उनको परमिशन दिया जाए, जैसे कि वो अपने परिवार को बेघर महसूस ना करें। ये हमने आज निवेदन दिया। क्या कमिश्नर साहब ने क्या प्रतिक्रिया दी? कमिश्नर साहब ने हमें आश्वासन दिया है, और कुछ महाराष्ट्र गवर्नमेंट का और सेंट्रल गवर्नमेंट का ये GR है कि 400 स्क्वायर फीट जो है वो बांधकाम वहाँ पर कर सकता है। वो GR की कॉपी हमें देंगे, जिससे कि हम पूरी भिवंडी में वो पब्लिश करेंगे कि आज भिवंडी कांग्रेस की तरफ से, महाराष्ट्र प्रदेश कांग्रेस की तरफ से आज जो ये निवेदन गया है, तो कांग्रेस ने ये बहुत बड़ा कदम भिवंडी में पहली बार उठाया है भिवंडी की जनता के लिए। 400 स्क्वायर फीट क्या बांधकाम कर सकते हैं, थोड़ा सा उसके ऊपर थोड़ा सा ब्रीफ करेंगे आप? 400 स्क्वायर फीट का घर जी एट प्रेजेंट वो वहाँ पर बांध के, मतलब जहाँ पे डिमोलिश हुआ है, डिमोलिश हुआ है वहाँ पर, अच्छा वहाँ पे कर सकते हैं, वहाँ पर कर सकते हैं दोबारा रिकंस्ट्रक्शन करके वहाँ पर रह सकते हैं वो। अच्छा, महाराष्ट्र प्रदेश कांग्रेस कमेटी के नेतृत्व में भिवंडी का एक ज्वलंत मुद्दा रहा है, धोखादायक इमारत पर रिहैब नहीं होता। जो मकान में आवाम रहा करती थी उन्हें उसका कोई अल्टरनेट नहीं देते थे। ये सपोज़ कि अगर धोखादायक इमारत टूट जाती है तो वो बगैर छत के हो जाते हैं। तो मुद्दा ये हुआ कि अगर उनको छत मिल जावे बिफोर डिमोलिश के, तो ये एक बेहतर तरीका होगा। तो माननीय कमिश्नर साहब ने कहा कि गवर्नमेंट का ऑलरेडी इस पर एक गाइडलाइन है, लेकिन यहाँ पर इसका इम्प्लीमेंट नहीं है। जैसा कि मैडम ने कहा कि 400, तो प्रत्येक नागरिक को जो मकान में रहते हैं उन लोगों को मैक्सिमम महाराष्ट्र रेरा के मुताबिक 400 फीट कम से कम उनको मिलना चाहिए। इस पर जो यहाँ पर रिडेवलपमेंट के लिए है, हमारे सईद भाई ने कहा कि इस पर माहिती को ब्लैकमेलिंग करके लोगों को उस पर कंस्ट्रक्शन नहीं होता है। हाँ। तो गवर्नमेंट को चाहिए कि यहाँ पर ऐसे जो रिहाइब जो धोखादायक इमारत हो उसकी FSI को बढ़ाया जाए,
जब उसकी FSI को बढ़ाया जाएगा तब जा करके जो लोग वहाँ पे 250 या 300 मिनिमम रहते हैं, जो गवर्नमेंट को एक मानव अधिकार के तहत भी ये कहा जाता है कि रहने को हक होना चाहिए, तो उसके अनुसार 400 स्क्वायर फीट का उनको प्रत्येक परिवार को मिलना चाहिए। तो कुल मिलाकर बात आज हुई, उन्होंने कहा है कि हम इस पर आश्वासन आपको नहीं दे सकते मुकम्मल, हम इसको पढ़ करके स्टडी करके क्या बन सकता है। तो हमने एक बात कही कि आप उनको छत दें, एक गरीब जनता जो गरीब मजदूर तबका है उनको छत दें, और साथ में अगर कॉरपोरेशन इस पर कदम उठाती है तो एक नई दिशा और दशा इस शहर से जाएगा। तो उन्होंने आश्वासन दिया कि जरूर हम इस पर गौर करेंगे। मतलब ये जिस तरह से आप लोग आपने भी एक मायती की जो बात किया है, तो ये मायती अगर उस पर लगती है जो इलीगल बांधकाम होता है, इलीगल निर्माण होता है, तो ऐसे में अगर वो इलीगल बांधकाम ना हो शहर के अंदर जिससे लोग परेशान होते हैं, बेघर होते हैं, तो आपकी क्या राय है सर? मैंने तो इसके पहले आज से 9 साल पहले वफा कॉम्प्लेक्स में तमाम यहाँ के स्थानीय जो आपके ये हैं बिल्डर्स, उनको बुलाया था और उसके अंदर मैंने कहा था कि ये काम आप जो करते हैं, जो बड़ी मुश्किल से पाई पाई जोड़ करके घर खरीदते हैं और उस घर खरीदने के बाद आप लोग इलीगल बांध काम करते हो, फिर कॉरपोरेशन उसको तोड़ देती है। पहला मकान जब आपको गैवी नगर में ये कब्रिस्तान के सामने जो मकान टूटा है, आप लोगों को याद होगा, 6 मंजिला इमारत गैर कानूनी तरीके से बनाया गया था, उसमें लाखों रुपये करोड़ों रुपये लोगों के, गरीब जनता के डूब गए। उसके बाद लोगों में ये बात बनी कि यहाँ की FSI कम है, तो हम लोगों ने यहाँ के स्थानीय जो एसोसिएशन इंजीनियरिंग का है, इंजीनियर डिपार्टमेंट का, उन लोगों से हमने कहा कि आप गवर्नमेंट से मांग करिए कि बाजू के थाने में FSI 2.5 है तो आपको 0.80 क्यों मिलता है। इस पर उन लोगों ने सही मुद्दा, चूँकि यहाँ पर देखा जाए तो एक सिस्टमेटिक तरीके से गवर्नमेंट से डिमांड करने की सलाहियत कम लोगों में है, लेकिन चूँकि उसका अगर प्रेजेंटेशन सही नहीं रखेंगे तो आपको FSI नहीं बनेगी। तो बम्बई के अंदर, ठाणे के अंदर, मुमरा के अंदर जब आपको वहाँ पर FSI हो तो भिवंडी क्यों इससे महरूम है। तो उसके बाद इस लड़ाई को लोग लड़ा और गवर्नमेंट ने पूरे MMRDA जोन के अंदर में FSI को बढ़ा दिया। आज FSI जो है उसको सही तरीके से यूज़ करें, कंस्ट्रक्शन करें, परमिशन के साथ बनाएं। और मैं तमाम जनता से भी आह्वान करूंगा कि गैर कानूनी इमारत में एक पैसे का खरीद फरोख्त बिल्कुल ना करें, वरना ये आपका पैसा सब डूब जाएगा।